भोले के भक्तों का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जिसमें अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है या फिर बेल पत्र नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। आप अर्पित करना चाहते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है तो क्या करें, वही जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल पर। कई प्रकार की मनोकामनाएं और अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए शमी पत्र और बेल पत्र की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर आप शिव मंदिर में हैं और आपके पास बेलपत्र नहीं है, बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं और मन है आपका कि हमको बेलपत्र अर्पित करना है, तो आप शिवलिंग में चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर उसे धोकर वापस अर्पित कर सकते हैं। ऐसा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी करने को कहा है। अब बात कर लेते हैं, कई उपायों में शमी पत्र की आवश्यकता होती है और सभी को शमी पत्र नहीं मिल पाता है। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने काफ़ी अच्छा उपाय बताया है। आप एक अक्षत को मतलब चावल को शमी पत्र के रूप में अर्पित कर सकते हैं। अक्षत मतलब चावल को शमी पत्र का भान करते हुए अर्पित करने से शमी पत्र अर्पित करना जैसा कहलाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।